हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। मैं रोहित सिंगल लेके आ गया हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 10 की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। हमने काफी सिलेबस भी कवर कर लिया है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं मैथ और साइंस दोनों में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं, ये पूरा का पूरा पैकेज है। पैकेज बस ध्यान रहे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहें बार बार, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको बिफोर योर एग्जाम्स अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें समझा दूंगा, जैसा कि हम हर बार करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन से पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो जरूरत कहां पर हुई है। देखिए, जहां पर मैं ट्रायंगल्स को मैं रिलेट कर लूं एंगल्स के साथ, ठीक है, तो बस वहां पे लग जाती है ट्रिग्नोमेट्री। जहां पे ट्रायंगल के साथ एंगल आ गया वहां पे लगेगी आगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। बस ध्यान रहे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे। और हम लेते हैं थीटा, भाई एंगल लिया, एंगल को रिप्रेजेंट करने का कुछ तो तरीका लेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे उसको, थीटा बोलेंगे। अल्फा बीटा गामा जो भी सिंबल्स आपको यूज करने हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉपुलर है थीटा। इतनी बात समझ में, एक छोटी सी चीज समझनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है ना कि जहां पे भी थीटा होगा इट विल डिसाइड द बेस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को बेस पसंद है भाई, थीटा को भी बेस पसंद है। समझ रहे हैं आप कि जहां पे थीटा होगा, थीटा जिस भी साइड में बैठा हुआ है उसको हम कहेंगे बेस। तो ये बेस हो गया हमारा, जब ये बेस है तो ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर और एज इक्वल। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है एक छोटी सी चीज पे, थीटा। अगर मान लो थीटा यहाँ कर दूंगा तो बेस मेरा ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, मतलब स्विचिंग किस में चलेगी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, बाकी किसी में नहीं चलेगी। इतनी बस ना कि अच्छे से बोलिए, दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीन एंगल्स की। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये बेसिक सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम याद रखेंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। एक चीज ध्यान है, इसका रेसिप्रोकल भी हमको पता होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, मतलब इसको उल्टा कर दो, कॉस का होता है सेक, इसको उल्टा कर दो, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और सबसे बड़ा खेल है वर्ड्स का, वर्ड्स को समझना बच्चों, अच्छे से समझना, क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। तो ध्यान रहे, वहां पे पेपर में साइड में प्रिंट होता है हिंदी में भी, तो वो बड़ा हिंदी में भी देख सकते हैं, है ना, तो आपको क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये कहना ये चाह रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वैसे ही बहुत तगड़ा काम करती है, ठीक है। चलिए तो हम कर ले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ द टावर इज 6 मीटर हाई, कास्ट द शेडो ऑफ 2 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट थीटा, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये अपना ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे सूरज भी है हाँ। अब देखिए, एक तो टावर 6 मीटर हाइट, ये 6 मीटर हाइट टावर होगी, 6 मीटर टावर की हाइट होगी, है ना, टावर की हाइट कितनी कर दी हमने, 6 मीटर कर दी। और शेडो कितना पड़ा, शेडो ऑफिस की बात है, परछाई कहाँ पड़ेगी, जमीन पे पड़ेगी, तो बेस हमको कितना दिया है, 2 रूट 3। We have to calculate the theta, कि theta कितना है। अब देखो, perpendicular दिया है और base दिया है। Just demand देखो questions की, questions का। भाई perpendicular दे रहा है, base दे रहा है। अच्छा, इधर देखिए आप, perpendicular और base का relation क्या है? Perpendicular base का relation मतलब क्या है? We have to calculate tan theta, तो हमने tan निकालना है, तो tan theta equals to perpendicular upon base 2 into 2। भाई साहब 3 √3 तो कोई वैल्यू होती नहीं भैया, क्यों? अब देखिए यहाँ पे भी मैंने ट्रिक बता रखी ऑलरेडी, क्या 3 √3 कहीं दिख रहा आपको 10 में? नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के केसेस में, आपको ये जो दिया है इसको करना होगा हमको क्या,
रैशनलाइज। अब आप उनको रैशनलाइज करना है तो देखिए सिंपल सा बनता है, आप सबको पता है कि रूट ये थ्री है क्या, इस थ्री का मतलब क्या, रूट थ्री, रूट थ्री, थ्री को मैंने क्या लिख दिया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, अच्छा टू होता तो मैं लिख देता रूट टू इंटू रूट टू, इससे पता क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया मेरे पास, टेन थीटा इक्वल्स रूट थ्री। ना लुक ये टेन थीटा में रूट थ्री वैल्यू कहां पे आ रही है, टेन सिक्सटी में, मतलब मेरा थीटा कितना हो गया, सिक्सटी हो गया। अगली बार सर में बोलिए सिक्सटी पे आ रही है तो व्हाट व्हाट कैन आई राइट, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन सिक्सटी, टेन से टेन गया तो थीटा हमारा हो गया सिक्सटी, ऑप्शन ए इसका है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें आपको हाइट दे देगा, शेडो दे देगा, यू हैव टू फाइंड आउट दी एंगल, ठीक है। इसी से एक रिलेटेबल क्वेश्चन आगे भी आ रहा है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं बार बार आपको चीजें दिखाऊंगा ताकि चीजें आपको याद हो जाए, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बनाना सीखा है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपके पास अवेलेबल होगी, आप देख लीजिएगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिंपल सी बात भाई साहब, पहले ट्रायंगल ले लेते अपन एज इट इज, ये ले लिया। अब देखिए क्या गिवन है, वो इंपॉर्टेंट अब लीजिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, फुट मतलब कौन, मेरे फुट के नीचे बेस, हमेशा ध्यान ये भी फुट जो वर्ड है ना, ये हमेशा किसको पॉइंट करेगा, ये बेस को करेगा। तो बेस कितनी दे दी अपन को, 15 मीटर, 15 मीटर बेस दे दिया हमको, 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी, ये मान लो टावर है, ठीक है, ये टावर है हमारा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 60 डिग्री। अच्छा ध्यान आना, एलिवेशन ऊपर देखोगे, डिप्रेशन, डिप्रेशन में इंसान कहाँ जाता है, नीचे जाता, नीचे, जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा ना, दिस मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब मैं नीचे देख रहा हूँ, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन में हमेशा इंसान नीचे जाएगा, कभी कंफ्यूज मत होना, एलिवेटर ऊपर, ठीक है, डिप्रेशन नीचे, मतलब साइट ऑफ विजन क्या हो जाएगा अपना, नीचे, ठीक है। हमको निकालना था हाइट ऑफ टॉप, अब देखो वापिस हमको ऐसे निकालनी है, ये दिया, ये दिया है, ये निकालना है, टेन लगा दू, लगा दू टेन, तो देखिए टेन थीटा मतलब टेन सिक्सटी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर निकालनी हमको, कायदे से जो हाइट है वो परपेंडिकुलर जो है इसके हिसाब से। अच्छा टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री देख लो एक बार, इधर टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी दिख रही है अपन को, रूट थ्री दिख रही है, अभी जस्ट निकाली थी हमने, तो ध्यान रहे ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना इन वैल्यूज के मजा नहीं आया। देखिए टेन सिक्सटी की वैल्यू हो गई अपने पास रूट थ्री इक्वल टू थ्री बाय 15, तो मेरे पास हाइट आ गई 15 रूट थ्री, वी हैव हाइट इक्वल टू 15 रूट थ्री, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बस हमने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। When the shadow of the pole of the meter high is 3h under the root 3h meter long, then the angle of elevation of the sun is, अब देखिए when the shadow of the pole h meters high is under the root 3h, ठीक है, अच्छा रूट के बाहर है, meters long, then the angle of elevation, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा थीटा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, व्हेन द शैडो ऑफ पोल एट मीटर हाइट, पोल की हाइट कितनी देती है हमको h, समझे, शैडो कितनी आ रही है इस रूट थ्री एच मीटर लॉन्ग, हमें क्या करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मतलब कि यहां से जो सूरज भैया है हमारे उनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, क्योंकि नीचे से यहाँ ऑब्जर्वर दिखेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, वापिस से टेन लगेगा, अच्छा एक चीज बताऊं, इसमें टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा से ही आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे, और अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा हर क्वेश्चन में टेन लिक्विड होता है, हर क्वेश्चन में, मतलब जितने भी क्वेश्चन है 80-90% क्वेश्चन में भी है टेन। तो देखिए टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना बेटा एच, बेस कितना है रूट एच, एल से एच गया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री, अच्छा वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वन अपॉन रूट थ्री होती है टेन, किसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखो, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया टेन थर्टी किलो,
टेन से टेन टनाटन टन हो गया, ये हो गया 30, थीटा कितना आ गया मेरे पास 30, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा थीटा जो है वो 30 आ चुका है, सिंपल सा है। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आपको पैरेलल क्या करना है, जब भी आप लिखते हो ना तो सीधा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन वन इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तुम्हें याद हो जाएगा। अब बस कमेंट सेक्शन में कहाँ लिखने की जरूरत है, कॉपी में लिख लो कहीं तो लिखो, पैरेलल दिमाग लगाओ, टेबल से देख के मत करना, समझ रहे हो। और मैंने लिंक दे रखी है ट्रिक की, वो ट्रिक देख लो, सबसे हेडक ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई टावर इज 30। डिप्रेशन मतलब नीचे, एलिवेशन मतलब ऊपर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। अब आया चीज देखो, डिप्रेशन है ओके, हम यहां से देखना ऑब्जेक्ट को, तो डिप्रेशन कितना होना है 30 बन रहा है, ये 30 तो ध्यान रखना ये 30। अब देखो ऊपर से जो देख रहा है किसी पॉइंट को वो तो डिप्रेशन हो गया, बट वही डिप्रेशन नीचे वाले के लिए क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। मतलब यहाँ पे 30 मतलब बीबी अपना कितना हो गया 30, क्योंकि आपको पता दोनों रेंज क्या होगी, पैरेलल या अल्टरनेट बन गया, हमेशा अल्टरनेट वेरिएबल में, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे दी है 25। आपसे पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, अब आपको बताना है टावर के बेस से कितना दूर है, सिंपल सा फंडा है, टावर के बेस से वो कितना दूर है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो यही डिस्टेंस का है। अब देखो ये दिया है मुझसे, ये पूछा वापिस से 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 25 अपॉन बेस, बेस आ गया 25 रूट 3, हमारा बेस आ चुका है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था थीटा को बेस, वो हमेशा बेस की तरफ आता है, थीटा विल ऑलवेज डिसाइड बेस, ध्यान रखना अगर थीटा में यहाँ था तो बेस मेरा क्या बन जाएगा वो वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब इफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ टावर इज, तो आपको बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। चलिए देखिए सबसे पहले तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स, हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, ये हमारा टावर हो गया, एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा मेरा एक पॉइंट ये रहा, ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये अपना हो गया ए, ये हो गया अपना बी, कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ टावर, आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ रहे हो, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लगाएंगे बारी बारी से, हम बारी बारी से दोनों में क्या लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जहां दो ट्राइंगल्स लिखे ना, जहां दो ट्राइंगल्स लिखे आपको कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी मैथ है, पी क्यू आर एस, बारी बारी से आप क्या लगा दो, बारी बारी से लगा दो आप ट्रिग्नोमेट्री। चलो पहले मैं छोटे ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, तो देखिए सीधा मैं लगाता हूँ 10 थीटा के परपेंडिकुलर बेस, तो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ए, ठीक है समझ लो, ये हो गया 10 थीटा इक्वेशन ओके। अच्छा बी ये 10 थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ये इक्वेशन। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट हट गया है, बट मैंने क्या सोचा डाल देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना ये जो पहली इक्वेशन है 10 थीटा और ये 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। अब मैं क्या करूंगा 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो देखिए 10 थीटा इनटू 10 90 माइनस थीटा वी हैव कॉट थीटा पी बाय 2 पी बाय ए सॉरी और पी बाय इसका ऐसे टू होता है टेन कॉट का होता है, तो दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए बी इधर चल जाएगा, जैसे ए बी इधर गया तो ये हो जाएगा पी और पी का स्क्वायर इस पे रूट आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया रूट ए बी, रूट ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट अनफॉर्चुनेटली ये सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट ध्यान रखें 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा,
हाँ मैंने वही लगाया, मैंने मैंने कहा ना जितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं उतने में लगा दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो आप, और ध्यान रखना उन दो ट्राइंगल्स में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन के रेस्पेक्ट में बना दो इक्वेशन, हो गया चैप्टर। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल। फिर समझिए बात, जितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, और जो चीज कॉमन दिख रही है, जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन पी क्यू है, देखो पी क्यू के रेस्पेक्ट में मेरे इक्वेशन लगा दी और सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, यही करना है हमको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज √3/1। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहली बात तो एक तो चीज आपने देख ली, एक चीज तो आपने साफ साफ देख लिया, क्या दे रहा हमको रेशियो वाला क्वेश्चन, तो पक्का आना है, पक्का आना, मैंने बंगर के डाला है ना। तो आपको रेशियो दे दिया क्या है, हाइट का और शेडो का, तो हाइट तो ये हो गई, शेडो ये हो गई, मतलब पी और एच दे रखा है, तो खुद सोचो पी और एच का रेशियो कितना देखा, √3/1, ये आपको दे दिया पी और एच का रेशियो, है ना, मतलब ये हाइट है, पुटी ना चलना, हाइट मतलब क्या हो गई, शेडो नीचे बनेगी, तो कायदे से ये आपकी हाइट नहीं है, या आपकी बोल या हाइट रही, लेकिन अपनी तो बेस होगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ इसको, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी हमेशा, टेन थीटा लगेगा, ये टेन थीटा लगा दिया, टेन थीटा में किसकी वैल्यू √3, बेटा जल्दी बोलो √3 किसकी वैल्यू है, √3 किस पर आता था, 60 पर आता था, √3 किस पर आता था, 60 पर आता था, और ये अगर 1/√3 होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 30 हो जाता, क्योंकि 10/30 की वैल्यू 1/√3 है, तो आंसर इज ये। अच्छा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, अपन तो सीधा सॉल्व करें, आगे बात समझ, चल पक्का, चल मूव करते हैं आगे की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30, द हाइट ऑफ बिल्डिंग। चलो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मैंने बेस दे दिया आपको, हाइट निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। चल इफ द हाइट ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर आर सेम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक चीज सबसे पहले, है ना, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दो और आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि भाई साहब कौन सी चीज सही है कौन सी चीज सही नहीं है, तो आप हमेशा ध्यान रखना उस केस में हमेशा आंसर 45 होगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल देखिए सपोज टू बी क्या दे रखा है आपको, क्या दे दिया है, परपेंडिकुलर सेम है, परपेंडिकुलर सेम है और बेस भी सेम है। अब आपको सोचिए जब परपेंडिकुलर सेम है और बेस भी सेम है तो एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा अपना, अपना एंगल होगा 45, क्योंकि भाई ये खुद सोचो, चलो मैं यहाँ बताया तो उसको लिया सोचा 90 हो गया, ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर भी सेम है और बेस भी सेम है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हाइट जो है वो शेडो के बराबर है, हाइट किसके बराबर है, शेडो के बराबर, तो ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस और आइसोसेलेस से तो ये दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जब ये दो एंगल इक्वल है तो खुद सोचो आप, ये 90 है, 90 प्लस एस प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 आ रहा है, एक्स 45। इस केस में हमेशा जब कभी भी शेडो और हाइट सेम हो तो उसमें थीटा हमारा हमेशा होगा 45, हमेशा 45 होगा, और टेन से भी निकाल सकते हो आप, 10/45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बराबर, समझ रहे हो आप, उस केस में हमेशा आपका थीटा क्या होने वाला है, थीटा हमेशा क्या होगा बेटा, थीटा की वैल्यू होने हैं तो थीटा होगा हमारा 45, ठीक है, किस केस में, जब हाइट हमेशा सेम रहेगी, और सेम नहीं तो बात ही गलत, सेम नहीं है तो निकाल लेंगे। हाँ अच्छा इसको भी निकाल सकते हो, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा दोनों का रेशियो सेम है, हाइट सेम है ना, तो पी की जगह पी रख दिया, बी की जगह बी रख दिया, तो वन आ गया, टेन थीटा में वन कब आता है, टेन थीटा में वन कब आता है, टेन थीटा में वन आता है 10/45 पे, किस पे आता है, तो थीटा कितना गया अपना 45, तो रिमेम्बर दिस थिंग, क्यों आया कैसा आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है, बड़े आगे कहानी। चलो इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इज इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, शेडो की टावर की लेंथ बढ़ दी जा रही है, आपको बताना है कि एलिवेशन के साथ क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ क्या होगा, समझना, ये मेरा टावर है, ठीक है, यहाँ पे गया, मान सपोज मान लो थीटा मैंने दे दिया 60, ये वाला 60 दिया, अब मैं दूर जा रहा हूं, अब देखिए दूर जाते ही एंगल छोटा हो रहा है, ये कम होगा 60 से कम होगा, तो मान लो मैंने मान लो 50 दिया, मैं और दूंगा अब ये 50 से भी कम होगा, ध्यान रखना जब मैं टावर से दूर जाऊंगा तो एंगल कम होता जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं टावर के पास जाऊंगा, खुद सोचिए आप, ये
ये टावर से दूर जा रहा है, सबसे बड़ा एंगल ये रहा, फिर एंगल ये छोटा, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या बन जाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, एंगल खत्म, समझ लो पक्का। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग, शेडो की लेंथ बढ़ रही है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जैसे शेडो बनेगी तो कहाँ, पहली शेडो यहाँ बनी, बढ़ रही है लेंथ, बढ़ रही है शेडो, ये बढ़ रही है लेंथ, एंगल क्या होगा, मैंने कहा दूर, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो दूर जाता जाएगा बेस से, टावर के बेस से दूर जाता जाएगा, और दूर जाता जाएगा तो एंगल कम होगा, ध्यान रखना, जब आप टावर की तरफ जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, एंगल टावर से दूर निकलोगे तो हाइट छोटी होगी, ठीक है, मतलब एंगल छोटा होगा, हाइट एंगल छोटा होगा, ठीक है, हाइट तो बढ़ेगी ना दूर जाएंगे तो, देखो दूर जाएंगे हाइट बढ़ेगी, पास जाए तो हाइट छोटी होगी, लेकिन एंगल बढ़ रहा है, क्या एंगल की वजह से ही हाइट अफेक्ट हो रही है, एक्सैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग, लेंथ बढ़ रही है शेडो की, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, क्या होगा, एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीजिंग है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर ऑफ 22 मीटर हाइट, चलो ये ऑब्जर्वर है, बढ़िया था, इस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, ये यहां से एक बिल्डिंग को देखता है, टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यहाँ पे टावर, इस टावर की हाइट कितनी है, 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर हो गई है ना, और कितना दूर है ये, इससे ये इससे दूर है बेटा 20. ये बन एलिवेशन, ये बन गया अपना ट्रायंगल, कुछ ऐसे बुक में भी, ठीक है, आप देखो क्या ट्रिग्नोमेट्री जिसमें रेक्टेंगल में लगती है, नहीं साहब ट्रायंगल में लगती है, तो मेरे को ट्रायंगल की डायमेंशन प्रॉपर चाहिए ना, ये 1.5 तो ये 1.5 माइनस कर दो, जैसे मैंने 1.5 माइनस किया तो क्या बच जाएगा, ये 20.5, ये हाइट जो आ गई अपने पास ट्रायंगल की, ये हाइट है इट्स 20. इट्स अ हाइट ऑफ हां 20.5 आ गई, अच्छा ये रेक्टेंगल है तो ये 20.5, तो ये भी क्या हो गया 20.5, क्या सीखा हमने, देखो क्या पूछ रहा है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है भाई साहब, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी सिखा रहे मैंने, जस्ट सिखाया था, देखो बेस इक्वल आ गया है परपेंडिकुलर के, जब बी और बी की लेंथ इक्वल होगी तो थीटा हमेशा क्या होगा, थीटा हमेशा होगा हमारा 45, थीटा हमेशा हमारा 45, सन में कहानी, तो हमने चैप्टर 9 भी खत्म कर लिया है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई होप सो कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दिखाते रहें तो मैं आपके लिए मजेदार वीडियोस और लाते रहूंगा, तब तक के लिए सायोनारा चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।